चलिए इसको देख लेते हैं। फिगर शोज ओवरहेड व्यू। ओवरहेड व्यू क्या होता है उसकी थोड़ी देर में बात। फॉर फोर सिचुएशंस इन विच फोर्सेस एक्ट ऑन ए ब्लॉक दैट लाइज ऑन ए फ्रिक्शन लेस फ्लोर इफ द फोर्स मैग्नीट्यूड्स आर चोजन प्रॉपरली इन विच सिचुएशन इज इट पॉसिबल दैट द रॉक इज पार्ट इज स्टेशनरी पार्ट बी मूविंग विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। ओवरहेड व्यू का मतलब होगा कि ये सरफेस है और सरफेस के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है, आप ऊपर से देख रहे हैं। ओके, यहां से आप देख रहे हैं तो जो भी फोर्सेस आप ऐसे देखेंगे दे आर पैरेलल टू द सरफेस। F2 ऐसे हैं तो F2 इज पैरेलल टू द सरफेस। F1 ऐसे हैं तो F1 इस डायरेक्शन में पैरेलल टू द सरफेस। इसमें नोट कर लें ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा वो इनवर्ड होगा और नॉर्मल फोर्स जो होगा वो आउटवर्ड होगा। अब ये मूव जब कर लेगा तो अलोंग द सरफेस मूव कर लेगा, इस डायरेक्शन में मूव नहीं कर लेगा, दैट वुड मीन आउटवर्ड फोर्स नॉर्मल फोर्स जो है वो इनवर्ड फोर्स एम जी के बराबर होगा। तो उसको हमें कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ पैरेलल टू द सरफेस वाले फोर्सेस कंसिडर करेंगे जो यहां पर दिए गए हैं। अब हमें कहना है कि इफ द फोर्स मैग्नीट्यूड्स आर चोजन प्रॉपरली, इफ द फोर्स मैग्नीट्यूड्स आर चोजन प्रॉपरली, ये रॉक नहीं होना चाहिए, ब्लॉक होना चाहिए। ए फोर्स मैग्नीट्यूड दैट मीन्स आप मैग्नीट्यूड्स अपने हिसाब से चूज कर लें लेकिन डायरेक्शन जो है वो यही रखनी है। और मैग्नीट्यूड्स में ख्याल रखें जीरो मैग्नीट्यूड आप नहीं दे सकते हैं। ओके, नाउ अगर हम पहला वाला केस लेंगे, दोनों जो है दोनों को मैं साइमल्टेनियसली, ओके चलिए पहले पार्ट ए को ही लेते हैं। पहला वाला जो है उसकी अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम कंसिडर कर लूं, ये यहां पर रिमेंबर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आर पैरेलल टू द सरफेस। एक्स एक्सिस यहां, वाई एक्सिस यहां, पैरेलल टू द सरफेस। जी एक्सिस जो होगी दैट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस जिसके अलोंग नॉर्मल फोर्स और एम जी होगा, लेकिन उसकी हमें जरूरत नहीं है। एफ टू है लाइक दिस, एफ वन इस डायरेक्शन में कहीं है तो एफ वन का यहां x कंपोनेंट होगा, I'll call that F1x, और F2 का यहां पर y कंपोनेंट होगा, I'll call that F1y, okay? I'll call that F1y. तो ये सिचुएशन अब आपके पास है। अब अगर आप मैग्नीट्यूड्स प्रॉपरली चूज कर लेंगे, मैग्नीट्यूड्स प्रॉपरली चूज करके आप F2, F1x के बराबर बना सकते हैं तो नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस जीरो बना सकते हैं, लेकिन एफ वन वाई का वाई कंपोनेंट है ही नहीं। ओके, वाई कंपोनेंट है ही नहीं, एफ वन वाई का बैलेंस करने के लिए यहां से कोई नहीं है। ओके, अब अगर आप कहेंगे कि मैं इसको जीरो बना दूंगा, चलिए जीरो बना दे, लेकिन इसको जीरो बनाने के लिए आपको एफ वन को जीरो बनाना पड़ेगा, और अगर एफ वन जीरो बन गया तब तो फोर्स एफ टू रहेगा, तो तब भी नेट फोर्स रहेगा और इस केस में भी नेट फोर्स रहेगा। अगर आपने F1 को जीरो ले लिया तब ये नेट फोर्स होगा, लेकिन अगर आप F1 को ले रहे हैं कुछ वैल्यू के साथ, ऐसे वैल्यू के साथ ताकि F1x और F2 बराबर बन जाए, तब ये बच जाएगा नेट फोर्स में। तो नेट फोर्स है, ओके, नेट फोर्स है इस केस में, नेट फोर्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, और अगर नेट फोर्स जीरो के बराबर नहीं है तो ब्लॉक का रेस्ट पे रहना पॉसिबल नहीं है, ब्लॉक का रेस्ट पे रहना पॉसिबल नहीं है, उसकी कुछ एक्सेलरेशन होगी और उसकी कुछ मोशन आ जाएगी, सो रेस्ट पे रहना पॉसिबल नहीं है। दूसरा वाला लेते हैं, दूसरा वाला तो ऑब्वियस है, अब दैट इज एन इंसल्ट फॉर यू ऐसा क्वेश्चन पूछना। एफ टू जो है वो राइटवर्ड है और एफ वन जो है वो लेफ्टवर्ड है। अब अगर आप मैग्नीट्यूड्स प्रॉपरली चूज कर लेंगे तो आप इन दो को बैलेंस कर सकते हैं, तो यहां पर नेट फोर जीरो आप बना सकते हैं, और अगर नेट फोर जीरो बन गया तो स्टेशनरी रहना पॉसिबल है, स्टेशनरी रहना पॉसिबल है अगर नेट फोर जीरो बन गया तो। तीसरा केस देख लें, तीसरे केस में एफ टू जो है वो यहां है राइटवर्ड, F3 जो है along positive direction of x-axis, F1 जो है वो यहां बीच में कहीं है,
ओके, ये एफ वन इसके लिए भी। अब इसके कंपोनेंट्स होंगे एफ वन के, एफ वन का एक कंपोनेंट यहां होगा एफ वन एक्स, एक्स कंपोनेंट, और एफ वन का एक कंपोनेंट यहां होगा एफ वन वाई, एफ वन वाई। अब जरा फोर्स मैग्नीट्यूड प्रॉपरली चूज करते हैं और देखते हैं कि नेट फोर्स जीरो हो सकता है कि नहीं। पहले जरा अगर एफ वन को आप जीरो चूज कर लेंगे, एफ वन को जीरो चूज कर लेंगे, तो एफ टू और एफ थ्री बच जाएगा, और एफ टू और एफ थ्री जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है, तो उनका नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, उनका नेट फोर्स तो यहां कहीं होगा इस डायरेक्शन में, तो एफ वन जीरो बनाने से काम नहीं चलेगा। अब एफ वन को या एफ टू को एडजस्ट आप कर सकते हैं इस हिसाब से ताकि एफ वन एक्स और एफ टू बराबर बन जाए। ओके, उसके लिए F2 को इंक्रीज करने की जरूरत होगी तो कर लें, डिक्रीज करने की जरूरत होगी तो कर लें, क्योंकि यू आर अलाउड टू चेंज द मैग्नीट्यूड्स इफ द फोर्स मैग्नीट्यूड्स आर चोजन प्रॉपरली। तो आप इन दो को बराबर बना सकते हैं, तो X एक्सिस के अलोंग नेट फोर्स जीरो बन सकता है, लेकिन Y एक्सिस के अलोंग ये दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में है और बैलेंस करने के लिए कोई फोर्स नहीं है, तो यहां पर नेट फोर्स जो है वो होगा इन दो के वजह से होगा, तो नेट फोर्स जो है वो जीरो के बराबर नहीं हो सकता है, और अगर नेट फोर्स जीरो के बराबर नहीं हो सकता है तो बॉडी ब्लॉक रेस्ट पे नहीं रह सकता है। ओके, रेस्ट पे नहीं रह सकता है। अब जरा चौथे वाले को देखते हैं, फोर्थ वन, ब्लॉक F3 down negative direction of x-axis, F2 positive direction of x-axis, F1 first quadrant में कहीं, F1 के फिर से आप components ले सकते हैं, F1 का ये component ले ले, ये बन जाएगा F1x, और F2 का ये कंपोनेंट ले लें, ये बन जाएगा F1 Y Y कंपोनेंट। अब फोर्स मैग्नीट्यूड्स को देख लें, आप प्रॉपरली चूज करके नेट फोर्स जीरो बना सकते हैं कि नहीं। F2 को F1 X के बराबर बना दे, इंक्रीज करना है तो इंक्रीज कर लें, डिक्रीज करना है तो डिक्रीज कर लें, इसके बराबर बना दे। F3 को F1 Y के बराबर बना दे, इंक्रीज करना पड़ेगा तो कर लें, डिक्रीज करना पड़ेगा तो कर लें, तो ये इसके बराबर बना दे, ये इसके बराबर बना दे, ये दो कैंसिल आउट होंगे, ये दो कैंसिल आउट होंगे, तो नेट फोर्स जो है वो जीरो यहां पर बन सकता है, और अगर नेट फोर्स जीरो बन गया तो ब्लॉक का स्टेशनरी रहना जो है वो पॉसिबल है, वो पॉसिबल है। तो स्टेशनरी कहां कहां रहेगा, जहां नेट फोर्स जीरो होगा, सेकेंड केस में नेट फोर्स जीरो है और फोर्थ केस में नेट फोर्स जीरो है, अगर आप प्रॉपरली मैग्नीट्यूड को चूज कर लेंगे, तो सेकंड और फोर्थ के केस में ब्लॉक जो है वो स्टेशनरी रह सकता है सेकंड एंड फोर्थ में। अब दूसरा पार्ट, मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। ओके, मूविंग विद कांस्टेंट, आपको कहना है कि अगर आप फोर्स मैग्नीट्यूड्स प्रॉपरली चूज कर लेंगे जैसे कि हमने यहां पर किया, तो किस किस सिचुएशन में पॉसिबल है कि ब्लॉक विल मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी। I'll give 5 seconds to think about it. This is very simple. A little tricky, लेकिन simple. Okay? 5 seconds, your time starts now. 4, 3, 2, 1, your time's up. Part A और Part B का answer same है. यहां पर B 2 and 4. वो कैसे? कॉन्स्टेंट वेलोसिटी का मतलब है एक्सेलरेशन जीरो है, और एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब नेट फोर्स जीरो है, तो दोनों पार्ट्स के लिए, दोनों क्वेश्चंस के लिए कंडीशन रहेगी कि नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। नेट फोर्स जीरो है तो रेस्ट पे रहना पॉसिबल है, हम पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, और नेट फोर्स अगर जीरो है तो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी रह सकती है, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी रहना पॉसिबल है। अब नेट फोर्स जीरो है तो पहले से अगर रेस्ट पे था तो रेस्ट पे ही रहेगा, अगर मूव कर रहा था तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर लेगा। सो इन दो केसेस में, टू और फोर में, नेट फोर्स जीरो है तो ब्लॉक का स्टेशनरी रहना भी पॉसिबल है, ब्लॉक का कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना भी पॉसिबल है। अब एग्जैक्टली होगा क्या,
अगर ब्लॉक पहले से स्टेशनरी है तो स्टेशनरी ही रहेगा टू और फोर में, अगर ब्लॉक पहले से मूव कर रहा है तो टू और फोर में कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव कर लेगा। ओके और अब हमें एग्जैक्ट आंसर नहीं देना, हमें बताना है कि पॉसिबिलिटी की बात करनी है। तो टू और फोर में नेट फोर्स जीरो होने की वजह से ब्लॉक का स्टेशनरी रहना पॉसिबल है और ब्लॉक का कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव करना जो है वो भी पॉसिबल है। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन।